तीन चार पाँच छः आठ साल के बाद, रिलेशनशिप के बाद, जब बहाना बनाते हैं कि शादी नहीं कर सकते या कर सकती, तो क्या बहाना बनाते हैं? अच्छा, सो एक मैंने पढ़ा था कि अभी नहीं 5 साल के बाद शादी करूंगा, ये बहाना किसी को मिलाना। तो मुझे बड़ी हैरत होती हैरत ये होती है कि आप नजूमी हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको 5 साल के बाद क्या होगा ये बिल्कुल पता है ना? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि 5 साल के बाद यू नो व्हाट्स गोना हैपन? यार मेरी अम्मी नहीं मान रही, उन्होंने बचपन में अपनी बहन से वादा किया था कि उनकी बेटी लाऊंगी घर में, और ये इनको नहीं पता था। ये पता नहीं था ना, ये सरप्राइज हुआ अचानक से। यार मैं वो सोच रही थी ना कि यार किसी ने आपको इतनी स्टूपिड सी बात की हो कि हम आउट ऑफ सिटी रिश्ता नहीं करते, तो बंदा उसको क्या कहे? आपने एक्स अमाउंट ऑफ टाइम जो स्पेंड किया है ऐसे शख्स के साथ जिसने आपको ये बहाना किया, मतलब वो सोच रहा होगा या सोच रही होगी कि ये बहाना जो है ये बेस्ट है और अगला मान जाएगा और मान जाएगा और ये ठीक है ये बहाना। हम बहुत जहीन है माशाल्लाह, पाकिस्तानी है हम बहुत जहीन है। मैं ड्रामा में इसलिए नहीं आ रही बिकॉज मुझे बचपन से एंटरप्रेन्योर बनने का बड़ा शौक था, और मैंने जब अपना मास्टर्स कर लिया कलिनरी में तो फिर मैंने कहा कि ये इतना टाइम और इतने पैसे, वाफिर पैसे, बोरियां भर के पैसे जो खर्च किए हैं तो इनका कुछ करना चाहिए। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी अपनी बेकरी हो जाए एंड आई एम टेकिंग बेबी स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। सो अभी मैंने ऑनलाइन शुरू किया हुआ अपना, हर चीज मैं खुद बनाती हूँ और मैं खुद से टेस्ट भी कर रही होती हूँ साथ साथ, कि अल्लाह खैर करे, दुआएं भी मांग रही होती हूँ कि सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, सब अच्छा हो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं, कभी कभी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेस वूमन बनना है, और इसलिए हाँ, नहीं, इसीलिए यस आई रिमेम्बर द ड्रामा इन विच आई विंक्ड अनसक्सेसफुली, मुझे अभी भी आंख मारनी नहीं आती, तो मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की कोई खास वैसे। सीरियस नहीं नहीं कांट विंक। सो एनीवेज आई हैव वो टू कौन गेट सा था, वर्किंग। हाँ कौन सा था, सोनी, सो समी स्वीट, वाला, समी खान वाला। सो स्वीट। हाँ, जिसमें मैंने वो बहुत सारे कपड़े पहने थे, वो हाँ फ्लैशी जी, किस्म के, और वो ऐसे वो बड़े जिनमें बड़े वो थे। हाँ, सारे शौक तो मैंने पूरे कर लिए, अब क्या करना, अब ये वाला शौक पूरा करना है ना। हाँ बेकिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स एंड कॉम्बिनेशंस एंड फॉन्डेंट एंड शाउट आउट टू तैमूर जलाल, थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट फॉन्डेंट, बेस्ट फॉन्डेंट इन द वर्ल्ड, मंचूरीज। बस बंदा टेस्टी इसमें ही फंस जाए, अच्छा जो खाना बनाता है उसको तो कभी, मतलब किसी और के हाथ का खाना तो नसीब ही इतना कम होता है। क्या मतलब, मतलब ये कि अब तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो तो घर में ये बन जाता है, तो घर में वो बन जाता है, तो ये मैंने जब स्काफा से वो किया था, वो क्या तो किया घर था? में प्रोफेशनल पेटिसरी वाला जो पहला वाला जो मैंने किया था कोर्स, तो उस वक्त तो ब्रेड भी घर में बन रही है, और कुकीज और बिस्किट्स भी घर में बन रहे हैं, और हर चीज जो बाहर से आती थी वो घर में बनना शुरू हो गई। फिर मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। हम बहुत जहीन है माशाल्लाह, पाकिस्तानी है हम बहुत जहीन है, और हम बड़े तेज है, तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, तो दूसरे को बेवकूफ नहीं समझना बिल्कुल चाहिए। ये सबके लिए है, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी है कि आवाम को बेवकूफ मत समझो, हम मजबूर हैं, बेवकूफ नहीं है। क्योंकि अब मैं जा रही हूँ बेकिंग करने के लिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी काम है, नहीं तो कल बहुत हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए। सो इट वॉज नाइस टू लॉग इन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई विल ट्राई टू लॉग इन मोर ऑफन। अच्छा, सो अच्छा मैं अब जा रही हूँ, बहुत सारी बातें हो गई, और मजे के सवाल सोच के मैं डालती रहूंगी स्टोरीज पे, तो